सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी गेमर्स। तो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ यूट्यूब के ट्रेंडिंग फ्री फायर शॉर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग सेक्शन में आ चुका हूँ गेमिंग में, और यहाँ पर बहुत सारे फ्री फायर के शॉर्ट्स ट्रेंडिंग में है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं और बताते हैं ये कैसा होने वाला है। सबसे पहले ट्रेंडिंग में है विजार्डो गेमिंग का, चलो देखते हैं इसने क्या बनाया है। और भाई, बर्थडे बॉय, कल बर्थडे है तेरा, पार्टी वार्टी देगा या फिर नहीं? अरे भाई, तू क्या बात कर रहा है भाई? वो सब तो ठीक ही है, जगह ये बंदा बातचीत कर रहा है। ठीक है, इट्स अ कस्टम शायद से, ठीक है, या फिर रैंक भी हो सकता है। और एक का नाम अमित भी है, मेरा नाम भी अमित है। ओके, कोई बात नहीं, भाई भाई हम लोग। बट ये बात करते समय ये सब, और भाई बर्थडे पार्टी कब देगा, इस तरह से वो इमोट क्यों दिखा रहा है? दोबारा अच्छे से देखना, ठीक है, मैं दोबारा प्ले करता हूँ, चलो इसको। और भाई, बर्थडे बॉय, कल बर्थडे है तेरा, पार्टी वार्टी देगा या क्या कर रहा है ये? अरे भाई, तू क्या बात कर रहा है? एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बुक किया है मैं। ओ भाई भाई, पैसे वाली पार्टी है, रिजॉर्ट बुक किया है, चलो देखते हैं क्या होता है। वो भी सिर्फ हम चारों के लिए। क्या? अरे हाँ भाई, दोनों आज रात को ही निकलना है, सभी रेडी रहना, और हाँ, टाइम पर आ जाना। ठीक है। अच्छा। अबे ओए निखिल, जल्दी आजा भाई, यार तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, बस एक मिनट, अभी आया। हाँ भाई, मैं आ गया, अब चलो। चलो भाई, रिजॉर्ट में जा रहे हम लोग। निकलने की क्या जरूरत थी, आराम से सुबह निकल लेते। अबे कितना फट्टू है यार तू। अरे ये गाड़ी बीच रास्ते में बंद कैसे हो गई? अरे कुछ नहीं भाई, घुटने में गिर गया भाई, क्या करने वाला है बे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। सामने एक घर है, तुम तीनों यहीं पर रुको, मैं उनसे मदद लेकर आता हूँ। भाई अच्छा। अमित को गए 20 मिनट से ज्यादा हो गए। भाई अमित को ही गायब करना था भाई, यार दूसरा अज्जू नाम रखता है, अमित नाम क्यों रखा साले? वो अभी तक नहीं आया, अब मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है बे, तुम दोनों की ऐसी वीडियो को मैं झेल रहा हूँ, रुको भाई। समझ रहे हो, तो यहीं पर रुको, मैं उसे अभी देखकर आता हूँ। भाई करण को भी गए आधे घंटे से ज्यादा हो गए। हाँ भाई, अब तो मुझे भी डर लग। और भाई बर्थडे बॉय, कल शॉर्ट्स खत्म, शॉर्ट्स भी कुछ नहीं हुआ, वो बंदा गया हुआ टाइम बहुत ज्यादा हो गया बोला, और शॉर्ट्स खत्म हो गया, और ये ट्रेंडिंग नंबर वन पे है भाई। भाई आधा अधूरा वीडियो दिखा दिया भाई, यार इसको, ये तो स्कैम है यार। मुझे लगा कुछ होगा यार, भूतिया घर ऐसा लिखा था, कुछ तो होगा ना, लाइक हॉरर सीन ऐसा कुछ आएगा सोचा मैंने, ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट वगैरह डालेगा सोचा। भाई वीडियो खत्म हो गया, अमित गायब हो गया, साले अमित का मरवा दिया तुम लोगों ने, मुझे ही मरवाना है तुम लोगों को। गाइस टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये वीडियो एवरेज लगा, मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, बिकॉज यार इनकम्प्लीट में खत्म कर दिया यार भाई, ये मजा नहीं आया, ठीक बोल रहा हूँ। चलो गाइस यहाँ पर दूसरा वीडियो देखते हैं। गाइस एक बार यहाँ पर तो देखो, मेरी गिल्ड में कितने सारे बंदे हैं, और भाई इनका गिल्ड देखो, सब में एमटी सच, इससे मेसी टॉक चैनल का नाम है, एमटी सब में एमटी लिखा है यार। बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया, बताए, मैंने सर्वाइवर्स अपना गिल्ड का नाम मेरे चैनल से अलग रखा है, एंड मैंने कभी लोगों को नहीं बोला कि एसआरवी लगाओ, डीजी लगाओ, मैंने कभी नहीं बोला, कसम से बोल रहा हूँ भाई, ये सब चिमकान डिग्री लगती है। इनमें से काफी सारे लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, तो चलो यार आज थोड़ा गिल्ड के बंदों से बातचीत करते हैं। चलो देखते हैं। अरे भाई तुम हो कौन, और तुम्हें गिल्ड में लिया किसने? अरे आर्यन भाई, मुझे कैसे भूल गए, मैं तो आपकी गिल्ड में। भाई ये भी ऐसे आवाज चेंज कर क्यों बोलते हैं यार भाई, अच्छा अपना नेचुरल आवाज ही बात करो ना, हेलो 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 करो, वो पिच बढ़ा के भाई तुम लोग, हेलो भाई मैंने यहाँ पर ये कर दिया वो कर दिया बोल के पीछे बढ़ा के बोलते ना, मेरे को ये एकदम क्रिंज लगता है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं 3 साल से हूँ। अबे नूबड़े कितना झूठ बोल रहा है, ये गेट तो मैंने 1.5 साल पहले बनाई है। लेकिन एक सेकंड, ये हिप हॉप बंडल कहाँ से आ गया भाई मेरी गिल्ड में, इसकी तो बेइज्जती करनी पड़ेगी वरना इसको। अच्छा वो तो सुन ही नहीं तेरा बात, वो सुन ही नहीं रहा है, तेरा तो माइक भी ऑफ है यहाँ पर ना, वो तो सुन ही नहीं रहा है। ओके, वो तो बहरा होगा शायद, सुनता नहीं होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, लगेगा इसकी बहुत ज्यादा इज्जत है। अबे तेरे जैसे नूबड़े हिप हॉप बंडल को किसने ले लिया मेरी गिल्ड में, और ये इवो गन्स के इमोट किसे दिखा रहा है? अरे ओ चपरी यूट्यूबर, ये वही नितिन, वही बता नितिन है या फिर क्या नाम है, एक्शन, यही सब 5-6 यूट्यूबर शॉर्ट्स वाले यही होंगे, सेम आवाज सबका, वो पीच बढ़ा के सेम आवाज कर देते हैं यार। मारो मुझे मारो, तेरे 7 मिलियन है तो ज्यादा उठ रहा है क्या? मैं लिख के देता हूँ, ये वही है, ये वही है, वही बंदा होगा, क्या नाम है वो, अरे नाम मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है इन लोगों का यार, नितिन था, हेक्सन था, और डेकोर था, पता नहीं कौन कौन था, यही लोग है भाई, लिख के देता हूँ भाई मैं, यही लोग है पक्का है, आवाज से पता चलता है, पीच बढ़ा दिया बस। मेरे पास सीजन 2 वाला बंडल है, कुछ दिन पहले ही एक छोटे बच्चे, मेरा मतलब है कि एक बड़े यूट्यूबर की गिल्ड छोड़कर आया हूँ। अबे नूबड़े उसे गिल्ड छोड़ना नहीं, गिल्ड से निकालना कहते हैं। गाइस अगर आपको भी गिल्ड में आना है तो कमेंट सेक्शन वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये क्या है, करवा ली बेइज्जती, हो गया, कौन है ये लोग? गिल्ड में आना है तो कमेंट सेक्शन वाले क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब करवा के गिल्ड में लाना भाई, डेट इज नॉट अ गुड थिंग यार, मेसी टॉक भाई, ये गलत तरीका है। ठीक है, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, गलत तरीका है, किसी यार छोटे छोटे बच्चे देखते हैं शॉर्ट्स ही ज्यादातर, ठीक है, तो उन लोगों को ऐसे मैनिपुलेट मत करो, अच्छी चीज प्रोवाइड करो, ये सब्सक्राइब करवा के ये कर दूंगा, सब्सक्राइब करा के वो करा दूंगा, ऐसे नहीं यार, वीडियो दिखाओ लोगों को भाई, मैं मेसी टॉक के वीडियो से विजार्डो गेमिंग का वीडियो को ऊपर रखूंगा, ठीक है, रैंकिंग में, तो यूट्यूब ने इसी तरह से ऊपर रखा, कोई बात नहीं है, एंडिंग में हक दिया। चलो गाइस नितिन, नितिन नितिन आ गया, नितिन आ गया गाइस, नितिन फ्री फायर इज बैक। Hey y'all, come look at this.
गाइज अभी कल ही मेरे चैनल पे 9.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे भाई। यार इसके 9.3 कल ही थे 9.7 और 40 सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़ गए। और साले तुम लोगों ने मेरे पिछले एक साल से मैं 13.3 मिलियन में अटका हुआ हूँ, तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, बहुत बुरा लगता है भाई। सब्सक्राइब करो यार, इसके सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं देखो। हालांकि शॉर्ट्स में सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मैंने भी यार शॉर्ट्स में 2-3 शॉर्ट्स डाला था भाई, एक दो दिन में 30-40 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। लेकिन अचानक से यार आज पता नहीं कैसे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए गाइस। लिटरली यार आज मैं बहुत खुश हूं। तो चलो यार गेम में चल के बंदों का रिएक्शन देखते हैं। तो गाइस फाइनली मैं गेम में आ गया, लेकिन एक सेकंड, ये करण ने क्या गिफ्ट भेजा है? मेरे दिल के पुकारे आजा और 10 मिलियन हो गया मेरे राजा। ये क्या लिखा है करण ने? मेरा दिल ये पुकारे आजा और 10 मिलियन हो गए मेरे राजा। अरे भाई भाई गाइस ये मेरे दोस्त कितने फनी है यार। अब ये रवानी ने क्या लिखा है? नितिन भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, पार्टी तो बनती है। अरे जरूर भाई, चलो नेक्स्ट अच्छा, देखते हैं। मैसी भाई बोल रहे हैं कि नितिन भाई ऐसे ही सब मिले हुए। इससे पहले मेसी का वीडियो बनाया, उसने बात इसने बोला मेरे को तो गिफ्ट सेंड कर दे, मैं ये सब लिख के सेंड कर दे, ठीक है मैं अपना भी वीडियो बनाऊंगा। दोनों का वीडियो बन गया, बहुत तेज हो रहा साल भाई। जॉर्ड भी भाई 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 कनेक्शन देख रहे हो, कनेक्शन किसी कितनी गहरी कनेक्शन है, तुम लोग नहीं समझते यार। उनके दिल में राज करो और 10 मिलियन तो हो गए, अब 50 मिलियन की जर्नी स्टार्ट करो। ये बात सी भाई। अरे भाई ये क्या, मैं तो सपना देख रहा था। एंगेजिंग शॉट्स नहीं लग रहा, पता तीनों शॉट्स इतने एंगेजिंग नहीं है, बट ठीक है चलो ठीक है। बैजेस नैनी का ट्रेलर मैंने देखा हुआ है, ठीक है ओके गाइस। यहाँ पर दूसरा रवानी गेमिंग का शॉट्स, चलो देखते हैं इसमें क्या डाला इसने। गाइस आप लोगों ने ऐसा वैसा चैलेंज तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज जो हम लोग करने वाले ना लिटरली यार ऐसा चैलेंज तो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि गाइस आज हम लोग करने वाले हैं सिर्फ 1 HP में बुइया, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं। भाई मैंने किया है बहुत बार भाई, ये क्या बड़ी बात है, किसी ने नहीं किया है, मैंने बहुत बार किया है भाई, ऐसे ऐसे चैलेंज किया है ना, तुम वो सब चैलेंज को दोबारा रिपीट करोगे तो भी 2 साल लग जाएंगे। जलवा है हमारा नहीं किया है, और ये चैलेंज जितना सुनने में आसान लग रहा है ना उतना है नहीं। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा 1 HP होने ही वाला है, और ये लो मेरा तो हो गया, लेकिन अभी मेरे फ्रेंड को भी 1 HP करना है। अभी ये क्या यार, मेरे फ्रेंड तो मर गए, चलो अच्छा हुआ, वैसे भी ये लोग तो नुबड़े ही थे। हाँ मतलब वो क्या हुआ ना गाइस, कि वो क्या हुआ यार, पता नहीं यार क्या हुआ, लेकिन अभी देखो यार मैंने फिर से कर लिया है 1 HP। ये शॉर्ट्स है भाई, बंदे मेहनत तो कर रहे हैं, एक दो कस्टम वेस्ट कर रहे हैं, बट इसमें भी वे शॉर्ट्स वाले क्रिएटर सामने हो, देखो ग्रेजुएट FF। यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएट भाई भी मर चुके हैं सिर्फ 1 HP में, और उसी के साथ यार रोहित भाई भी मर चुका है, मतलब मैं अकेला बचा हूँ, और मेरा HP तो देखो यार सिर्फ 1 का बचा है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई सिर्फ 1 HP में, देखो तो सही कैसे पूरा स्क्वाड को मार के अभी बुइया कराता हूँ। तो यहाँ पे भाई क्या तो रेड, और यहाँ पे गाइस एक बंदे को भेज दिया ऊपर, अरे नहीं पीछे से कौन आ गया, अरे नहीं भाई, अरे यार ये एडिटिंग साला कोई काम का नहीं, हटाओ इसको भाई। यार शॉर्ट्स फ्री फायर के क्या है यार, कोई ढंग के शॉर्ट्स बनाओ बे, कोई ढंग के शॉर्ट्स कौन नहीं डालता है, क्या ये कौन है, ये एक्शन प्रो गेमिंग। गाइस ये लव ने मेरे 10,000 डायमंड उड़ा दिए, पैसा बर्बाद। गाइस ये लव ने मेरे 10,000 डायमंड उड़ा दिए, अभी ठीक है इसका आवाज सही आ रहा है, ठीक है अभी देखना दूसरा बंदा बोलेगा एक्शन भाई एक्शन भाई, वैसे आवाज में बोलेगा देखना। और क्या चाहिए तुझे भाई, ये देखो बंद करो भाई, यार आवाज नॉर्मल रखो ना यार, क्या भाई माफ कर दो ना भाई, तुम्हें एक दो एक ही बंदा बोल रहा है भाई मुझे माफ कर दो, अरे भाई तूने ये क्या कर दिया भाई मुझे माफ कर दो, भाई ये मेरा डायमंड उड़ा दिया भाई मुझे माफ कर दो, भाई ये क्या तरीका है भाई, 10,000 उड़ा दिए बूढ़े। अरे एक्शन भाई आपके 10,000 डायमंड के बदले ये आईडी ले लो। छोड़ भाई यार नहीं चाहिए। अरे एक्शन भाई अगर नहीं लोगे ना तो मुझे हमेशा बुरा लगता रहेगा, तो प्लीज ले लो। ठीक है भाई तू बोल रहा है तो ले ही लेता हूँ, तो गाइस ये आईडी तो मैंने लॉगिन कर ली है, क्या ही होगी इस आईडी में। ओबे बॉयस ये कोई तरीका है भाई, 7 मिलियन का सब्सक्राइबर भाई तुम ऐसे आईडी मांग रहे हो, गलत तरीका है भाई। तो ये तो सीजन 2 की आईडी है। अरे बाबा भाई यार क्या ही तो आईडी दी है लव ने, पर गाइस किसी का रिक्वेस्ट आ रहा है कुड़कुड़े बाबा, चलो गाइस इसके ग्रुप पे चलते हैं। बच्चा क्या तुम्हें वीबेजन सीजन 1 चाहिए? गाइस वही बंदा आ गया, वही है, ये नाम हैशटैग रख दिया एक ही बंदा, आवाज को पहले पिच ज्यादा किया था पिच कम कर दिया। मेरे पास हिप हॉप तो है ही, और अगर वीबैच प्लस सीजन 1 आ गया तब तो मैं इस गेम का भगवान बन जाऊंगा यार। जल्दी बोलो बच्चा चाहिए कि नहीं? हाँ बाबा चाहिए। तो बच्चा मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना। हाँ बाबा कुछ भी करूंगा मैं। तो बच्चा इधर आओ जल्दी से। हाँ बाबा आ गया। ये जो चेयर दिख रहा है इसमें बैठो। भाई 1 सेकंड में लोग यहाँ पर आ गए, जल्दी जल्दी। हाँ बाबा बिल्कुल, पर इससे होगा क्या? तुम बस करते जाओ बच्चा। गाइस ये करते करते मुझे 2 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये क्या हो गया गाइस? अरे भाई किसने आईडी लॉगिन कर ली? इस बात के लिए 200 के लाइक जल्दी करो। कोई सेंस है इस बात की?
मजा नहीं आया। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। मजा नहीं है भाई, कोई भी शॉर्ट्स देखे ना मतलब उतना मजा नहीं। थोड़ा सा शॉर्ट इसका थोड़ा अच्छा था, रवानी का अब तक थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है, बाकी किसी का उतना अच्छा नहीं। ये देखते हैं डार्क क्रू ऑफिशियल का, देखते हैं कैसा शॉर्ट। गाइस जोन देखो कितना छोटा हो चुका है, और भाई हम सारे बैठे हैं फट्टे के ऊपर, क्योंकि गाइस आज हमने कसम खा ली है बुइया करेंगे तो उसके ऊपर बैठ कर ही करेंगे। लेकिन रोहित भाई हम नीचे जाकर भी तो बुइया कर सकते हैं। नहीं फिर कसम टूट जाएगी। अबे भाई मेरा अच्छा वो रवानी यहाँ पर भी देखो टकला टूट गया, जल्दी बचाओ। अरे भाई साहब क्या बचाया है, नहीं तो अभी कसम टूट जाती। वैसे रोहित भाई तुमने किसकी कसम खा रखी है? बुर्ज खलीफा की। हाँ? अगर कसम टूट गई तो दुबई का बुर्ज खलीफा टूट जाएगा। अरे भाई साहब जोन आ गया, मैं नीचे आ रहा हूँ दोस्तों। अरे भाई मुझे जल्दी बचाओ, कसम टूटनी नहीं चाहिए। रोहित भाई मैं बचा लूंगा तुम्हें, जल्दी बचाओ नहीं तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और भाई बच गया, जल्दी से अंदर जाता हूँ। अबे अबे दो जलेबी भाई साहब, बच गया नहीं तो जलेबी खा के भूया हो जाता। और भाई जल्दी से ऊपर जाता हूँ। रोहित भाई तुम अकेले बचो, भूया करवा देना। भाई साहब मैं अकेला बचाऊँ, अगर भूया नहीं हुआ तो बुर्ज खलीफा का मालिक मुझे हमेशा के लिए जेल में बंद कर देगा। पर भाई मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। गाइस अब मैं जा रहा हूँ जेल में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जेल से आके वीडियो, ये शॉर्ट्स है ना एकदम नॉर्मल गेम दिखाओ, अपना कमेंट्री से लोगों को हंसाओ, ये सही था शॉर्ट्स, ठीक है, नो डाउट ये ठीक था शॉर्ट्स, इसको हम बुरा नहीं बोलेंगे। इसने गेम प्ले से ही किया, ठीक है ना, कस्टम बनाया ना, लॉबी में खड़ा था। नल्ला नौनी देखते, नल्ला नौनी सामने तो देखो, बच्चे यूट्यूबर आ चुका है, देखता हूँ ये लोग क्या बोलता है मेरे बारे में। नल्ला नुन्नी आ गया, नुन्ने की नोनी काटेंगे आज, टेंशन ना लो। तो दोस्तों अभी कौन किसका काटता है तो देख लो आगे, और दोस्तों वीडियो में रिएक्शन में मुझे गाली दिया है तो अपना रिक्स में वीडियो देखिए। राउंड तो ये लोग हार जाते हैं बट फिर भी नुन्नी की नुन्नी काटेंगे आज। ऐसी वाली काट दे भाई, काट दे, नुन्नी नपुंसक बना दे, बोले डार्लिंग तेरे लिए। इधर मैं भागते जा रहा था, अचानक से मेरे को पेल दिया बट मेरा टीममेट ने उनको पेल दिया भाई। अभी क्या खेल रहा है? 4-0 देने लगता है। भगवान हमको एक बार भुइया दिला दे, हम तुमको हुया डाला उसने भाई। नल्ला नौनी ने उसकी नुल्लू काट दी। ये सही था, ये भी शॉर्ट दैट इज कॉल्ड फियर शॉर्ट्स, ठीक है, इसको हम रैंकिंग ऊपर वाले से नीचे वाला अच्छा है। ये देखते हैं आरएस गेमिंग का क्या है। गाइस आज मैं जिसकी आईडी से आया हूँ, अगर आपने पहचान लिया तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। हाँ हाँ जल्दी से बताओ, लेकिन एक सेकंड अभी इसकी गिल्ड में क्या चल रहा है? नितिन भाई प्लीज एक बार ग्रुप में आओ। चलो चलते हैं इनके ग्रुप में, देखते हैं क्यों बुला रहे हैं। हाँ हाँ भाई आज उन दोनों की तगड़ी लड़ाई करवा देंगे। अरे भाई क्या बोल रहे हो, किसकी लड़ाई? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं नितिन भाई, वो मैं बोल रहा था वो दैया भाई है ना, वो एक नंबर का बोट है। अरे भाई ये क्या बोल रहे हो? अरे हाँ भाई ये सही बोल रहा है। गाइस ये सब मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे नितिन भाई बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, तुमने फालतू में उस दैया को अपना दोस्त बना रखा है, वो तुम्हारे पीछे से आपकी गिल्ड वाले बंदों को गाली देता है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, मैंने कब दी गाली? क्या बोला? अरे मेरा मतलब है दैया तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे हाँ दैया भाई कैसा लगा मेरी आईडी से आके? नितिन वाली आईडी से दैया भाई हो क्या? नुबड़ो और इतनी देर से मेरे खिलाफ नितिन को भड़का रहे थे, अब बोलो। अरे सॉरी भाई हम तो ऐसे अच्छा ऐसे ही एक काम करो नूबड़ो, पहली फुर्सत में निकलो और उनकी तरफ से मैं मुझे चक्कर आने लग गया अब। बंद करो, मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये सब बंद करो यार, कोई तो अच्छे शॉर्ट्स डालो भाई यार, ट्रेंडिंग सेक्शन में तुम लोग जाते हो भाई यार, क्या हो रहा है ये भाई भाई, कोई सॉरी देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बशीर गेमिंग, क्या तुमको पता है हिप हॉप बंडल वापस आने वाला है, लेकिन कौन सी डेट को आने वाला है और भूया पास कितने डायमंड का मिलेगा, ये सब बातें आज की वीडियो बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना बिडू, उनकी हिप हॉप बंडल दिसंबर के लास्ट में आने वाला है भाई, 9 तारीख से आना शुरू हो जाएगा बंडल वगैरह, ठीक है। हिप हॉप बंडल इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब एलाइट पास का सीजन खत्म हो जाएगा और अगले साल से भूया पास स्टार्ट हो जाएंगे। गालियां तो मैं बकूंगी। फैक्ट नंबर 2 सामने भाई, इसे फैक्ट वाले क्या बात है भाई, ये तो नॉर्मल सबको पता है, इसमें फैक्ट वाली क्या बात है? जो गन मोदी जी ने पकड़ी है ये कौन सी गन है? अगर तुम लोग रियल फ्री फायर लवर हो तो इस गन का नाम करेक्ट लिखना एकदम। फैक्ट नंबर 3 भाई, कमेंट पे एंगेजमेंट कैसे बढ़ाते हैं, बशीर गेमिंग से पूछो, देखो मोदी ने कौन सा गन पकड़ा है उसका नाम पकड़ो बताओ। अब अलाइट पास खत्म होने वाला है और भूया पास आने वाला है, लेकिन वो कितने डायमंड का आने वाला है क्या तुम लोगों को पता है? चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले 50,000 लाइक का टारगेट है, बस एक एक लाइक कर दो और 50,000 लाइक कर दो भाई। तो यार भूया पास 600 डायमंड से 1,000 डायमंड के बीच में आएगा, उससे नीचे हो नहीं सकता तुमको। बट अब तक जितने भी लोगों ने शॉर्ट्स बनाया है ना, जितने भी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट्स बनाया है अब तक, इसका शॉर्ट्स में मेहनत है थोड़ा सा ज्यादा, इसने एडिटिंग किया है, फेस कैम किया है,
टाइटल लगाया है, थोड़ा सा मतलब अलग अलग चीज दिखाया इसने, ठीक है। सबसे ज्यादा लाइक थोड़ा मतलब क्रिएटिव है, एक शॉर्ट्स कैसे बनता है इसने दिखाया वो चीज को, ठीक है। भले ये लाइक अपडेट का शॉर्ट्स है बट शॉर्ट्स थोड़ा क्रिएटिव है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा तुम कैसे 2v4 में 20-30 किल करके बुया निकाल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मेरा ऑलरेडी 10 किल हो चुका है। चलो देखते हैं स्वीटी का कितना हुआ है। स्वीटी तुम्हारा कितना किल हुआ है? मेरा तो 12 किल है। हैं 12 किल? देखो यहाँ पर लड़की बोल रही है ना, बट लड़की का एक्चुअल वॉइस है ना, ऐसे लगाओ ना। तुम लोग पीच बढ़ा के मत लगा करो, अच्छा नहीं लगता है वो मुझे तो। तुम लोग को अच्छा लगता है क्या तुम लोग मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने जल्दी कैसे कर लिया यार? ठीक है आज तुम बताओ रैंक में बुया कैसे करते हैं। पहले तो तुमको 15-20 सुपर मेडिकेट कलेक्ट करना है। लुबड़ी रहने दे, सबको हीलिंग बैटल करना सिखाएगी क्या? मैंने ये पूछा था कि केल के साथ कैसे बुया करते हैं। बात तो सही ना। ओए काना सुनो। हाँ नुबड़ी सुना। लाइफ में दो बातें ना हमेशा याद रखना। ठीक है बताओ वो दो बातें क्या है? मुश्किलों से घबराना नहीं और ठंड में कभी नहाना नहीं। ये तो मैं बचपन से फॉलो करते आ रहा हूँ। वैसे स्वीटी तुम दिन में कितने घंटे मोबाइल चलाती हो? सिर्फ 12 घंटे। 12 घंटे चलाती हो? लाइफ में मोबाइल के अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं? हाँ चार्जर। ओए काना जल्दी आओ, सिर्फ 3 बंदे हैं, इनको मार के बता दो कैसे 1v4 क्लच करते हैं। हाँ हाँ बता रहा हूँ, पहले तो घास बन जाना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं, सामने वाले बंदे तो तुमको डराएंगे, तुम ग्लू लगा देना। हट यार ये तो ग्लू तोड़ रहे, मैं नहीं खेलूंगा। आज मैं पहली बार खेलने वाला फ्री फायर। ये देखो एडिटिंग कितना होता है। ये बंदा नॉन फ्री फायर क्रिएटर होगा, कितना शॉर्ट्स में भी कितना मस्त एडिटिंग करके रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आज मैं पहली बार खेलने वाला फ्री फायर, क्योंकि भाई ये बंटी मानता ही नहीं है, बोलता है भैया फ्री फायर खेलो फ्री फायर खेलो, क्योंकि मैंने इनको पबजी खिला दिया पहले एक बार। जिसे पबजी में विक्टर है तो फ्री फायर के अंदर कोई नुबड़ा प्लेयर होगा। हाँ है ना, कौन सा? एडम नुबड़ी लेके खेलेंगे अपन, ठीक है आ जाओ। और ये आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोरा ही कोरा, दिख गया। अरे ये तो मारता है। अरे नहीं अबे वो पागल है क्या? अबे ओए ये तो घर में आ रहा बावड़ी लौंडिया हमसे पंगा ले रही थी है। चलो डार्लिंग आई लव यू बोलो, जिंदा छोड़ दूंगा। खुद ही मर गए बावड़ी। एडम नुबड़ी के साथ हमने भूया निकाल लिया, बाकी अगर पूरा गेम प्ले देखना है फ्री फायर का तो बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। चलो लाइक करके जाना, बाय। बहुत से बंदे शॉर्ट रेंज की फाइट करने से डरते हैं क्योंकि वो कभी शॉर्ट रेंज की फाइट जीत ही नहीं पाते। अब यहीं पे देख लो कम से कम 3 स्क्वाड उतर रही है, और मैंने देखा ये आदत ज्यादातर बंदों की होती है कि अगर सामने 500 टोकन पड़े हैं तो वो 500 टोकन पे लैंड करेंगे, ना कि गन पे। और जिन बंदों को शॉर्ट रेंज की फाइट करना होता है वो हमेशा गन पे ही लैंड करते हैं, क्योंकि उनको पता है। क्या करते हैं गन में, क्या करते हैं? एक मिनट, किसने क्या बोला, सुनना ध्यान से। जिन बंदों को शॉर्ट रेंज की फाइट करना होता है वो हमेशा गन पे ही लैंड करते हैं। क्या करते हैं? गन पे ही लैंड करते हैं। क्या करते हैं? गन पे ही लैंड करते हैं। बड़े हरामी हो गाइस। आप लोगों ने क्या सुना? मैंने जो सुना वही सुना क्या? 500 टोकन की अभी जरूरत ही नहीं है। ये लोग क्या फायदा हुआ उस 500 टोकन का? अगर इसके पास कोई गन होती तो ये मुझे भी मार सकता था। कुछ बंदे, अरे भाई इसने तो क्या मोटिवेशन बात बताई यार। यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे हैं फिर भी वो ओपन में घूमते हैं। लेकिन सही तरीका है, अगर आपको शॉर्ट रेंज गन मिल गई तो किसी घर के अंदर चले जाओ, और घर के अंदर भी इन जैसे ध्यान नहीं रखना, नहीं तो हम जैसे ध्यान रखने वाले पेल पाल के चले जाएंगे। ये देखो एक और महान प्राणी किस रूम से निकल रहा, जहाँ पे रुकने का कोई महत्व ही नहीं था। अगर कोई घर में बैठे हो तो उस जगह पे तो नजर रखो जहाँ से कोई बंदा आ सकता है, नहीं तो उसमें बैठने का मतलब क्या है? मेरे फ्रेंडों की तरह ओपन में जाके मर जाओ। 3 स्क्वाड आई थी लेकिन मुझे एक बैकग्राउंड म्यूजिक कितना ज्यादा है बे, भी बंदा टच नहीं कर पाया और मेरे सभी टीममेट मर गए। गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, मजा आ जाएगा। गाइस जैसे चोर ना देखकर पुलिस उसके पीछे भागती है ना, वैसे ही इस नए बंडल ना देखकर पूरे 4 एनिमी बहुत देर तक मेरे पीछे लग रहे हैं। और यू है मेरा नूबड़ा दोस्त जिसका उन्होंने बैंगन बना दिया। साहिल भाई भाग जाओ वरना ये आपको, ये भी अपने मुंह से बोल रहा है। साहिल भाई भाग जाओ मुझे कुट्टा करते हैं। हट नूबड़े, तेरी तरह नूबड़ा थोड़ी हूं मैं। हेलो भाई मैं तो आपका बिग फैन हूं, गले मिलो। भाई मेरा कोई फैन नहीं है, तेरे जाल में नहीं फंसने वाला। अच्छा ये थी तेरी चाल, तू मुझे बिग फैन बोलेगा और पीछे से तेरा फ्रेंड मुझे पेलेगा। हरामखोर ने 3 की एचपी छोड़ी। वो मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरा फूफा है। इब देगा तेना प्रसाद। कौन सा रहा है जो बच्चों को तंग कर रहा? मैं हूं फूफा, इन्हें मेरे दोस्त का बैंगन बनाया था, मैं तो बस अपने दोस्त का बदला ले रहा हूं। और मैं आपसे यही बोलूंगा, आप इस लड़ाई में ना पड़ो तो ही अच्छा होगा। रुकता हूं इसके अकड़ तो मैं तोड़ूंगा। हां भाई आगे स्वाद ताऊ के चमचे, ताऊ जल्दी आ जा, 1 एचपी का है। कौन पर बस काम का यार। ले फूफा आप तो मना करी थी लड़ाई में ना आई हो, अब कभी बैंगन बनाना पड़ेगा। चल कोई नहीं बेटे, मैंने तेरी वीडियो बनवा दी। धन्यवाद फूफा, इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आ जाओ बात करते हैं। ये बढ़िया था ना, देखो इसने गेम प्ले खेला, क्लच किया अच्छा।
अच्छे से इसने रिप्रेजेंट किया, दैट वाज अ गुड, ठीक है। बट यार कुछ लोग यार लॉबी दिखा दिखा के पका देते हैं यार, अपना आवाज बदल के बात करके पका देते हैं, बट कोई बात नहीं, आई होप ये लोग भी इम्प्रूव करेंगे समय के साथ साथ, छोटे एज में तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, अगर आपको आज का वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।